हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश। तो आज हम बनाएंगे मटका दम बिरयानी, आप इसे हांडी दम बिरयानी भी बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है। उसके लिए सिर्फ आपको ऐसी छोटी सी मटकी चाहिए, आप अपने साइज़ के हिसाब से छोटी बड़ी ले सकते हैं। तो हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आएँ, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसको हम बिलिस्ता बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 4 नॉर्मल साइज़ की प्याज ली है, उसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और प्याज फ्राई करने के लिए ऑयल हमें इतना लेना है कि हमारी प्याज उसमें अच्छे से डिप हो जाए, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, हमें अच्छी गोल्डन कर ली है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, आपको जलाना नहीं है, गोल्डन करना है इस तरह से। और इसको अब हम एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि ऑयल अच्छे से रिलीज हो जाए। और उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन मैंने यहाँ 1/2 kg लिया है, उसके लिए यहाँ 1 कप कर्ड लिया है। और ये जो हमने प्याज फ्राई की, इसमें से मैंने 4 प्याज ली थी फ्राई करने के लिए, इसमें से हम 1/2 ले लेंगे, मतलब अराउंड 2 प्याज अच्छे से क्रश करके हम इसमें डालेंगे। इसको देखिए इस तरह से। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो थोड़ा साउंड है। यहाँ मैंने 1/2 teaspoon गरम मसाला लिया है, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर और 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। आप तीखा कम ज़्यादा के हिसाब से रेड चिली कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट ले लेंगे, मैंने यहाँ 1/2 teaspoon लिया है। और ये ड्राई मिंट है, जिसको हम ड्राई करके रखते हैं, उसको अच्छे से क्रश करके मैंने ऐड कर दिया है, वो है 1/2 teaspoon। अब ये सब मैरिनेशन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम चिकन ले लेंगे, जो हमने अच्छे से वॉश करके रखा है। देखिए, इसको अच्छे से कोट कर देंगे चिकन को मसाले में पूरी तरह से। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, जो मैंने क्रश करके ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा। मैंने इमाम दस्ते में अच्छे से क्रश कर लिया है जिंजर गार्लिक दोनों को, और फिर ऐड किया, ये अराउंड 1 tablespoon है। और साथ ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, ये घर का बिरयानी मसाला है, जो मैंने 1/2 teaspoon दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप कोशिश करें घर में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपको भी पता रहेगा आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ मैरिनेट हमने 2 घंटे के लिए कर लिया था, उसके बाद हम इसको फ्राई अच्छे से कुक करेंगे। तो कुकिंग के लिए मैंने सेम कढ़ाई ली है, और उसमें 1/4 cup मैंने ऑयल लिया था, और चिकन को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है, और कुक भी हो गया है 1/2। यहाँ पे 50% हमारा चिकन कुक हो गया है। अब अगेन हम इसको फिर से कवर करके रख देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो यहाँ अगेन मैं 8 to 10 minutes के लिए कवर कर दिया है, और ये देखिए हमारा चिकन काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। हमें ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा उसमें पानी नहीं रखा है ग्रेवी में। और साथ ही हमने चावल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने 1.5 cup राइस लिया, बिरयानी राइस। इसमें मैंने 3 teaspoon सॉल्ट ऐड किया है, 1 star anise, तेज पत्ता, ये सब खड़े मसाले ऐड कर दिए थे। यहाँ हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो गए, बिलिस्ता है, धनिया, पुदीना, गरम मसाला और चिकन, और एक मटकी जिसमें हम मैरिनेट करेंगे, दम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे राइस की। आप मटकी को अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर पानी भर के रखेंगे उसमें, उसके बाद आप थोड़ी देर पानी हो जाए हाफ एन आवर, उसके बाद उसको ड्रेन करके फिर मैरिनेट करें। तो गरम गरम में जल्दी जल्दी आपको मैरिनेशन करना है। तो एक लेयर हमने सबसे नीचे राइस की लगाई है, उसके बाद हम यहाँ पे कुक्ड चिकन जो हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे। आप साइज़ के हिसाब से लेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमने ड्राई
पिस्ता जो हमने फ्राई किया है वो ऐड कर दिया है, साथ ही धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसमें, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और एक काफ़ी अच्छा एरोमा भी आएगा, क्रिएट होगा, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है जब हम मटकी खोलेंगे उस टाइम पे। ऊपर से गरम मसाला थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे और अगेन राइस की लेयर लगा देंगे। आप लोग हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम सेम आईडी से द कुकिंग क्रश, आप हमारे लोगों से हमें पहचान सकते हैं वहाँ पे भी, वहाँ भी आप हमें फॉलो करें, वहाँ भी हम डेली के अपडेट्स वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आई होप आपको वहाँ भी पसंद आएगी। तो यहाँ हमारी चिकन हांडी को हमने दम करने के लिए रेडी कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ऊपर से जो डालना चाहें ऐड कर सकते हैं, कलर्स ऐड करना चाहें इसमें तो कलर, मैं विदाउट कलर बना रही हूँ यहाँ पे, कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारी मटकी तैयार हो गई, ऊपर से अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून हमने घी ऐड किया इसमें, देसी घी और कुछ धनिया पत्ती और काजू से हम गार्निश कर देंगे ऊपर से। देखिए काजू क्रश करे में वो भी ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है, और अब इसको हम कवर कर देंगे, आटे की लोई से हम इसको सील कर देंगे। अगर आपके पास आटा गूंदा हुआ नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल से भी इसको कवर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सील कर दिया, जिससे इस में अच्छे से एयर बनी रहेगी, बाहर नहीं आएगी और काफ़ी अच्छे से ये दम हो जाएगा। तो तैयार है हमारी चिकन दम मटकी, अब इसको हम दम करने के लिए रख देते हैं स्लो फ्लेम पे। पहले हम 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि हमारी मटकी अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम स्लो फ्लेम पे 20 मिनट्स तक इसको कुक करेंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं, हमारी बिरयानी रेडी है, अब हम ओपन कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी लजीज लग रही है, काफ़ी अच्छे से दम हो गई है, हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये बिरयानी की रेसिपी, मटका दम बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को भी, सबको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं ऐसी और रेसिपीज़ के साथ, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं रेसिपीज़ के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।